इसके पहले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि पुलिस ने विक्टोरिया को बचा लिया था और आर्ट ने पुलिस को देखकर खुद को गोली मार ली थी। उसकी बॉडी को मॉर्ग में ले जाया गया जहां वो फिर से जिंदा हो गया और एक एग्जामिनर को मार डाला। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया गया जब विक्टोरिया हॉस्पिटल से रिलीज हुई, लेकिन उसके फेस के साथ साथ उसके दिमाग पर भी इतना गहरा असर हुआ कि उसने एक दिन टॉक शो की होस्ट मोनिका का चेहरा नोच डाला। ये मूवी स्टार्ट होती है उसी मॉर्ग से जहाँ आर्ट ने एग्जामिनर को मारा था। आर्ट की एक आंख डैमेज्ड है और भेजा खुला हुआ क्योंकि इसने खुद को गोली मारी थी। अपने एक खून से वो आर्ट लिख देता है एक मिरर पर जो कि इसकी आदत है। अधमरी हालत में वो एग्जामिनर पुलिस को फोन कर रहा था, लेकिन ये कुछ ही बोलने की हालत में था नहीं। वो उसका मुंह तोड़कर उसकी आंख अपने फेस पर लगाने लगता है, पर ये कोई क्रीपर नहीं जो इसकी बॉडी का पार्ट बन जाएगी। खैर, इसके बाद वो उसका सर काटकर उसके दिमाग को बाहर निकाल लेता है। इसके आगे मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो यूट्यूब देखता नाराज हो जाएंगे। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो जहरीले दांत दिखाते हुए पहुंच गया लॉन्ड्री की दुकान में जहां एक आदमी सो रहा था। उसने खून में सने कपड़े उतारे और न्यूज़पेपर में क्रैश की खबर देख हंस रहा था। तभी मशीन रुक जाती है और उसे दिखाई देती है उसी के जैसी एक क्रीपी लड़की। वो दोनों काफी घुल मिल गए थे क्योंकि दोनों ही साइलेंट हैं और सिमिलर भी। अचानक वो आदमी जाग जाता है और वो देखता है आर्ट बिना कपड़ों के अकेला बैठकर खेल रहा था, यानी कि वो एक आत्मा है जो इसके अलावा किसी को दिखाई नहीं दे रही। गीले कपड़े पहनकर और खुद को साफ करने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं वो उस आदमी को टाटा बाय बाय कर चुका होता है। यह मूवी शिफ्ट होती है सीधा एक साल बाद। हम देखते हैं सियाना को जो कल रात की हेलोवीन पार्टी के लिए तैयार कर रही होती है अपनी कॉस्ट्यूम, जो की एक वॉरियर प्रिंसेस की है जिसे डिजाइन किया था उसके डैड ने, जो की कुछ ही समय पहले चल बसे। इसके डैड को ब्रेन ट्यूमर था जिस वजह से उन्हें अजीब चीजें दिखाई देती थी जिन्हें वो ड्रॉ भी करते थे एक बुक में। एक दिन ड्रंक होकर वो कार लेकर निकल गए और कार क्रैश उनके मौत की वजह बनी। हम देखते हैं उसकी मॉम बारबरा को और छोटे भाई जोनाथन को जो आर्ट की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हैं। कल रात की पार्टी में खुद आर्ट की तरह ही ड्रेसअप होगा। ये बात ना तो सियाना को पसंद आई और ना ही इसकी मॉम को, क्योंकि पिछले साल आर्ट ने 9 मर्डर्स किए थे और उसकी बॉडी अभी लापता है। क्या पता वो इस साल वापस आ जाए। रात को सियाना अपने पंख रेडी करके सो जाती है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो आर्ट क्रिस्पीज नाम का फ्राइड राइस खा रहा था जिसमें कांच ब्लेड और कीड़े थे। फाइनली आर्ट वहां आ जाता है और सब उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लाया था उनके लिए स्वीट्स। अपनी ट्राइसिकल पर घूमने के बाद वो सबको देता है स्वीट्स, पर सियाना को मिला था एक धड़कता हुआ दिल। इन सब का तो एंजॉय हो गया, अब बारी थी आर्ट की। इसलिए गन निकाल कर वहां मौजूद सभी लोगों को उसने भून दिया। एक लड़की को उसने जिंदा ही जला दिया, लेकिन मैडम अभी भी नाच रही थी। इस पूरे मैसेकर में सिर्फ सियाना ही बची थी। वो आर्ट क्रिस्पी बॉक्स उठा लेती है क्योंकि उसे लगा था इसमें उसके काम की कोई चीज हो सकती है। आप या मैं होता इसकी जगह तो शायद ये बॉक्स पलट लेते, पर इसने तो हाथ डाल दिया जिससे कांच के टुकड़े इसके हाथ में लग गए। आर्ट को नजदीक आता देख दोबारा हाथ डालने पर इसे मिली इसकी डैड की दी हुई तलवार जिससे यह आर्ट की आंख को रोक रही थी। तभी सियाना जाग गई और हमें पता चला कि सियाना ये सब होता देख रही थी अपने सपने में। उसके जागने की वजह वो आग थी जो उसके कमरे में रखे पंख को जला रही थी। शायद इसकी वजह थे वहां रखे वो कैंडल्स। मॉम ने आकर आग बुझाई और अब वो उसे सुना रही थी क्योंकि सियानापन इसने दिखाया नहीं। दरअसल इसका कहना था कि वो कैंडल जली हुई नहीं थी, जो कि सच है। सारा सामान जल गया सिवाय उस तलवार के जो इसके डैड ने इसे दी थी क्योंकि ये इसके वॉरियर प्रिंसेस कॉस्ट्यूम का एक पार्ट है। आज हेलोवीन है और आर्ट भी अपनी कला दिखाने के फुल मूड में है। अपने लिए वो एक नया वेपन बना रहा था। वो लड़की टीवी में देख रही थी मोनिका वाला इंटरव्यू जिसे हमने देखा था इसके पहले पार्ट में, जो कि इसी टाइम पर हुआ था। ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा जब आर्ट विक्टोरिया की बात सुनकर टीवी में लात मार देता है। उधर स्कूल में दो बच्चे जोनाथन को एक मरा हुआ पौसम दिखा रहे थे जिसमें कीड़े चल रहे थे। वो जोनाथन की क्रश के साथ प्रैंक कर रहे थे, तभी इन्हें पकड़ लिया इनकी टीचर ने। फिर क्लास के वक्त वो जाता है पानी पीने, तभी उस लड़की को आर्ट के साथ देख लेता है। वो खेल रहे थे उस पौसम से। उसके अंजब मंजर निकालने के बाद वो उसे फेंक देते हैं जोनाथन पर, जिससे जोनाथन वहां से भागने लगता है, पर उसे पकड़ लिया प्रिंसिपल ने। उसे लगता है कि ये नीच हरकत है जोनाथन की, इसलिए उसे कर दिया जाता है सस्पेंड। सियाना अपने फ्रेंड्स एली और ब्रूक के साथ लंच कर रही थी, तब भी ब्रूक उसे बताती है विक्टोरिया ने टॉक शो की होस्ट मोनिका का मुंह नोच लिया। वो उसके बारे में और डिटेल में बात कर रही थी, तभी सब सुनकर सियाना की हालत खराब होने लगी। जोनाथन के सस्पेंड होने पर मॉम ने आज जमकर उसकी क्लास लगाई। एली के साथ सियाना पहुंच गई थी एक शॉप पर जहां उसे नए पंख खरीदने थे।
एली टकरा जाती है आर्ट से, पर उसकी नजर डरा रही थी सियाना को। घबरा कर वो ऊपर चली आई और सामान के पैसे देते वक्त उसे याद आया बैग तो वो नीचे ही भूल आई, पर चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि आर्ट उसे ले आया। सियाना तो वहां से चली गई पर आर्ट वहीं था। शॉप क्लोज करने के बाद मौका देखकर वो उस दुकान वाले के सर पर बोतल फोड़ देता है। फोड़ी हुई बोतल उसने उसकी आंख में घुसा दी, फिर वो उसका सर काटता है। तभी शॉप के डोर पर कस्टमर आ जाते हैं और वो उन क्लाउंस के बीच उसका सर पकड़कर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बच्चा बोलता है, ओह माय गॉड, ये कितना रियल है। घर पर जोनाथन सियाना को बताता है आज उसने स्कूल में आर्ट को देखा, साथ में उस लड़की को भी जिसका मर्डर हुआ था एक कार्निवल में कुछ साल पहले। ये भी इनके डैड की बुक में मेंशन है, साथ में आर्ट का स्केच भी जो इनके डैड ने बनाया था, साथ ही उसके विक्टिम्स का भी, जिनमें है पिज्जा शॉप वाला वर्कर, पेस्ट कंट्रोलर माइक डाउन जिसकी किल सबसे ज्यादा फेमस है, और आखिर में डेमन का सर पकड़े वॉरियर प्रिंसेस जो कि है सियाना। इनके डैड के मुताबिक यही आर्ट का अंत करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली को, जिसके घर के बाहर खड़ी थी एक वैन जिसमें वही क्रीपी लड़की बैठी थी। तभी आर्ट वहां आता है, जिसे एली पहचान लेती है कि ये वही क्लाउन है जो शॉप पर इससे टकराया था। वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए एली उसकी तरफ कैंडी फेंक कर दरवाजा लॉक कर लेती है, क्योंकि उसकी नजर पड़ गई थी उसके खून लगे टूल्स पर। रात होते सियाना कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार थी और पहला फोन किया उसने एली को, पर उसने फोन उठाया नहीं क्योंकि शीशा तोड़कर आर्ट उसके घर में घुस गया था और वो ऐसे घूम रहा था जैसे वो उसी का घर हो। वो भागने का ट्राई करती है पर वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर आर्ट ने इसके साथ जो ब्रूटिलिटी की सुनकर आपकी शायद रूह कांप जाए। पहले उसके फेस पर कट मारा, फिर उसकी स्कैल्प भी निकाल दी, फिर एक हाथ तोड़कर अलग कर दिया और दूसरे को चीर दिया। इन सब के बाद भी वो अपने फोन को उठाने का ट्राई कर रही थी, तब उसने ब्लीच डालकर अच्छी तरह उसके जख्मों पर नमक मल दिया। इतने में उसकी मॉम भी वहां आ गई थी और वो देखती है आर्ट उसकी बेटी का मांस नोच रहा था और वो अब भी जिंदा थी। फिर वो उसकी मॉम को मारकर उसके सर में कैंडीज भरकर बच्चों में बांट रहा था और वो बच्चे भी ये कहकर खुश थे, वाह क्या आर्ट है। सियाना मॉम को बाय बोलकर पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पहले से ब्रूक मौजूद थी और साथ में उसका बॉयफ्रेंड जेफ। उधर मॉम और जोनाथन का झगड़ा हो गया, गुस्से में मॉम ने फाड़ दी उसकी बुक। आज्ञाकारी जोनाथन को भी गुस्सा आ गया और वो चला गया घर के बाहर। कुछ देर बाद बारबरा देखती अपनी कार की हालत और उसे लगता है ये सब किया है जोनाथन ने। बारबरा कार साफ कर रही थी तभी उसे दिखाई देता है आर्ट, जो कि उसे सीधा शॉटगन से उड़ा देता है। थोड़ी देर बाद जोनाथन वापस आ गया और वो देखता है आर्ट उसकी मॉम बारबरा को खाना खिला रहा है। वो भागने की कोशिश करता है पर आर्ट ने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया और वहां रखी तलवार भी उठा ली। इधर सियाना को पार्टी में वही क्रीपी लड़की दिखाई देती है, जिसकी वजह से पार्टी का माहौल हो जाता है खराब। अब ब्रूक और जेफ उसे लेकर आ रहे होते हैं घर, तभी उसे कॉल आता है जोनाथन का और वो उसे बुला लेता है एक पुराने कार्निवल में। यहाँ हम देखते हैं जोनाथन की आवाज में बात कर रही होती है वही क्रीपी लड़की। वो तीनों कार्निवल तक पहुंच जाते हैं और ये वही जगह है जहाँ वो लड़की मरी थी। सियाना अपने भाई को ढूंढने अंदर चली गई, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है, और ये दोनों थे कार में। वहां पर वो लड़की अपने ही फेस की सर्जरी कर रही थी। इधर जेफ जब हल्का हो रहा था तब आर्ट ने उसे एकदम हल्का कर दिया। उसके बाद बारी थी ब्रूक की, पर वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। वो पहुंचती है एक वॉशरूम में जहां आर्ट ने पहले भी कारनामे किए होंगे और ये पता चल रहा है वहां लिखे उसके नाम से। उसके पीछे आर्ट भी वहां पहुंच गया। उसके एक हाथ में था उसका नया वेपन और दूसरे में था एसिड। उस पर एसिड डालकर आर्ट ने उसे अपने वेपन से फाड़ दिया और अब वो निकाल कर खाने लगा उसका दिल। तभी वहां पहुंच गई सियाना और वो उसी का वेट कर रहा था। तभी जोनाथन भी वहां आ जाता है। उसे भगाकर सियाना ने अटैक कर दिया आर्ट पर उसने इसे बड़ी आसानी से मसल दिया और वो चल दिया इसके भाई के पीछे। जोनाथन ने किसी तरह अपनी जान बचा ली ऐसा उसे लग रहा था। आर्ट उस पर कट्स मार रहा था, तभी सियाना ने वहां आकर उसी का वेपन उसी के सर में फिट कर दिया। इसके बाद वो दोनों यहां से भाग रहे थे, तभी आर्ट अपने पुराने वेपन शार्प चेन से जोनाथन पर वार करने लगा। सियाना उसे बचाने आई तो वो भी लपेटे में आ गई। काफी देर मार खाने पर उसे याद आई अपने डैड की ड्राइंग, तब उसने शार्प चेन छीनकर आर्ट को पेलना शुरू कर दिया। चेन से उसने उसका फेस चीर डाला और लास्ट में उसके सर पर रॉड घुसा के उसे लगा कि वो मर गया। वो सियाना का गला घोट रहा था, तभी जोनाथन ने उसे शॉटगन से शूट कर दिया। अचानक सियाना को उसकी मॉम दिखने लगी, लेकिन वो वही क्रीपी लड़की थी। अब जाकर सियाना को मालूम चला कि उसकी मॉम मर गई।
कुछ देर रोने के बाद उसे एहसास हुआ कि जोनाथन गायब है। आर्ट ने मार मार कर उसे बेहोश कर डाला। वो सियाना को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है, फिर उसी की तलवार उसी के पेट में घुसाकर फेंक देता है पानी से भरे कंटेनर में। वो वहां मर जाती है। उधर आर्ट जिंदा ही खा रहा था जोनाथन को। वो चिल्लाता है तो उस तलवार से एक पावर निकली जिसने सियाना का घाव हील कर दिया और वो फिर से जिंदा हो गई। इस बार वो बाहर निकल कर आर्ट का सर धड़ से अलग कर देती है, बिल्कुल अपने पिता की स्केच की तरह। पहली बार उसका हेड उसके बॉडी से अलग हुआ, अब लगता है कि वो मर गया। इसके बाद वो क्रीपी लड़की आई और उसके सर से बातें करते हुए चल दी। दोनों भाई बहन बच गए। कुछ इस तरह ये नाइटमेयर एंड हुआ। आगे हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, जहां विक्टोरिया उल्टी कर रही थी। इसके बाद वो अपने खून से लिखने लगी आर्ट की तरह। हम देखते हैं वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई। नर्स उसे चेक करने आती है तो वो देखती है उसने आर्ट के सर को जन्म दे दिया। जानवर की तरह वो उसे चाट कर साफ कर रही थी और वो हंस रहा था। कुछ इस तरह से ये फिर से रिबॉर्न हो गया और यहाँ ये मूवी होती है एंड। वैसे तो ये मूवी 2 साल पहले ही आ गई होती, पर कोविड की कृपा से ऐसा हो ना सका। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी ही मैं इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे नए अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।